महाराज जी कैसे लौट रहे हैं यहाँ पर मिट्टी में? मुझे ब्रिज की धूल बना दो कन्हैया। तो तिम्मू आज दोबारा से लड्डू को यहाँ पे लौटा रही है। और लड्डू कैसे, ये देखिए यहाँ पे हाथी गजराज अपनी सूंड से घंटी बजा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं रमन रेती आश्रम पे, चलते हैं आगे। तो गाइस हम लोग हैं अभी रमन रेती पे, ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, आपको दिख रहा होगा आगे। यहाँ पर 12 बजे से 4 बजे तक दर्शन नहीं होते, अंदर नहीं आते गेट के अंदर, 4 बजे के बाद आप आ सकते हैं और 12 बजे से पहले आप आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये पूरी कालीन बिछी हुई है और अंदर होते हैं भजन, बहुत सुंदर भजन, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मैं, तो गाइस आपके वाइटी ब्लॉग आपको लेकर आ गए हैं रमन रेती में, जो गोकुल से 2-3 किलोमीटर आगे है। तो बहुत सुंदर है ये आश्रम, देख लो आपको भजन चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये जो आश्रम है ये 12 से 4 बजे तक बंद रहता है, सुबह 12 बजे से पहले आइएगा और शाम को 4 बजे के बाद। बहुत सुंदर है ये, बहुत प्यारा है। और भैया सामने देखो हाथी मेरे साथी भी हैं। जय गजराज जी, जय हो गजराज। हाँ हाँ देखो ये सूंड उठा रहा है तिम्मू। हाँ तिम्मू भी चलेगी। कैसा लग रहा है, बटरफ्लाई बना रहे यहाँ, हो रहे हैं भजन। ये देखो यार, चारों तरफ का नज़ारा यहाँ पे रमन रेती का। जय हो वीर बजरंगी। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे गिर जाओगे। वो तो डर लगी थी देख के, मैंने कहा गिरती है। इनके खेले थे और यहाँ पे देखो इस तरह से महर्षियों के जो ऋषि मुनि हैं उनकी वो बनी हुई है, कुटियाएं बनी हुई हैं ऋषि मुनियों की कुटियाएं। और यहाँ पे हो रहा है जो गौ माता हैं यहाँ गाय पालन, देखो कितनी सारी गाय हैं। तिमो छू रही है उनको, मार दी नहीं है। अरे हाँ। नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा भी होगा, अगली बार अगर हम रामन लेके आएंगे तो गायों के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। आज तो हम कुछ लाए नहीं तुम्हारे, सॉरी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर लेकर आएंगे। तो ये देखिए गाइस, ये है रमन रेती, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खेले थे, ये उनकी खेलन भूमि है। और यहाँ पर देखिए गैयों का गौशाला भी है, बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा है, काफ़ी सुंदर बनाया गया है ये। और ये देखिए कितना बड़ा एरिया, यहाँ पर सत्संग वगैरह होता है। और वो देखो गजराज, तो ये श्री कृष्ण जी की खेलन भूमि है, यहाँ पर खेलते थे। बाबा जी ने हमको बताया कि इधर को आगे जाओ तो लोटन वाला मिलेगा तुम्हें, वहाँ पे लौट के आते हैं अभी देखते हैं। तो ये मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं कृष्ण जी की लोटन भूमि में, जहाँ पर लोट लोट से खेलते थे। तो सामने से सूर्य हो रहा है। तो यहाँ चलते हैं। अरे भाई साहब,
ये कितना अच्छा लग रहा है यार। और ये देखो यहाँ पे सारे लोग लौटने में लगे हैं। गाइस ये है रमन रेती की लोटन भूमि, जहाँ पर श्री कृष्ण जी लोटपोट होते थे। तो ये देखो सब लोग यहाँ पर इन्हें मिट्टी डालते हैं और मेरा जी लोटपोट हो रहे हैं। मेरा जी ये देखो हमारे मेरा जी कैसे लौट रहे हैं यहाँ पर मिट्टी में। मुझे ब्रिज की धूल बना दो कन्हैया, कैसा लग रहा है? वाह, बचपन के दिन याद आ गए ना, मिट्टी से ऐसे खेलते हुए। बच्चा कैसे कर रहा है? बाबा हो बेटा, यहाँ की मिट्टी में ताकत होती है, यहाँ अगर बच्चे लोटपोट हो तो ताकत बनती है। तो सब लोग बच्चे बने हुए, देखो सब लोग बच्चे बने हुए यहाँ पर, सारे लोग मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी में कूद रहे हैं। वो आंटी जी को देखो छोटे बच्चे पे डाल रही है। ये देखो भैया को, ये देखो ये इन पे पूरी मिट्टी डाल दी गई है, खतरनाक, बिल्कुल ढक गए हैं मिट्टी से। तो आपको बचपन याद आ गया होगा इनको अपना। सब लोग अपने बचपन को याद कर रहे हैं यहाँ पर। वो देखो सारे लोग मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है मिट्टी में खेलते हुए? बचपन याद आ गया ना। तो ये देखो यहाँ पर सब बच्चे बने हुए हैं, सब बच्चे की तरह मिट्टी से खेल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर इनका घर भी बन गया है प्यारा सा, सब मिट्टी से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये भी सब मिट्टी से खेल रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मिट्टी की होली चल रही है इन लोगों की। मिट्टी वाली होली चल रही है भाई। ये देखो यहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और यहाँ पर कृष्ण जी लोटन खेलते थे मिट्टी पे लोट लोट के। तो सारे लोग आज यहाँ पर लोट लोट के खेल रहे हैं। तो गाइज आज हमने गोकुल में दर्शन किए और उसके बाद हम रमन रेती में आ गए और यहाँ पर हमने लोटन मूवी में मेहरा जी ने तो खूब लोटन करा है, बचपन याद आ गया यार। अब काना जी ने यहाँ पे लोटा है तो यार हम तो फिर बालक ही हुए उनके, अपने लड्डू को भी लोटाएंगे यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी जरूर आइएगा, अगर वृंदावन मथुरा आ रहे हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा, बहुत सुंदर है, आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। सच में बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो आप चलते हैं वापस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताना हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। बस और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं अपने लड्डू को लौटा कर दिखाती हूँ। तो तिम्मू आज दोबारा से लड्डू को यहाँ पे लौटा रही है और लड्डू कैसा लग रहा है? लड्डू को बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम यहाँ आए थे तो हमारा ऑटो वाला बोल रहा था भैया यार ज़्यादा टाइम मत लगाना। तो मुझे क्योंकि उस वक्त हमको यहाँ के पता नहीं था है तुम्हें, तो हमने टाइम क्यों लगेगा, टाइम इसलिए लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर खेलन भूमि है, जहाँ खेलने को मिल जाए तो हर कोई बच्चा बन जाता है। तो यहाँ पर सब बच्चे बने हुए, हम दोनों भी इस तरह से मिट्टी में बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ये मिट्टी। सच में यार यहाँ पर कृष्ण भगवान लोटपोट होते होंगे, कितना मजा आता होगा ना। जय हो कृष्ण की लोटन भूमि की जय, राधे 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 राधे। जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है जाने का। चश्मा क्यों लगा रखा है? ये देखो ये मिट्टी बहुत ही यादव है। मैं लगा देता हूँ इसको, इसको बेचारी को थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, इसे थोड़ी सी लगाता हूँ। और मंदिर में अंदर आती हो रही है, इससे पहले आरती दिखाई थी। और ये देखिए यहाँ पे हाथी गजराज अपनी सूंड से घंटी बजा रहे हैं।